नमस्कार साथियों, आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? यानी क्या कह रहा है, किसी प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति यानी NS माइनस रोटर गति NR या वास्तविक गति भी कह सकते हैं के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, शिल्प कहेंगे। अब देखो ये आएगी शिल्प RPM में, यदि अंश में लेनी है शिल्प तो S बराबर होगा NS माइनस NR बट्टा NS, और यदि अनुपात में लेनी है तो परसेंट में लेनी है तो S इन प्रतिशत बराबर होगा NS माइनस NR बट्टा NS इंटू 100। तो यही पूछ रहे हैं कि इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के अंतर के बीच के अंतर को क्या कहेंगे, जिसे हम शिल्प कहेंगे। तो राइट आंसर हो गया शिल्प, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर में जॉकिंग क्या है? देखो प्रेरण मोटर में इंचिंग और जॉकिंग परिपथ होता है, यानी इंचिंग परिपथ को जॉकिंग परिपथ भी कहते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि जॉकिंग परिपथ का अन्य नाम क्या है, तो इंचिंग परिपथ भी कहते हैं। यानी इंचिंग या जॉकिंग क्या होता है कि कोई भी जो विशुद्ध कार्य है, जैसे कि हम लेथ मशीन है तो इसमें हम जो जॉब उसमें लगाते हैं तो उसको, यानी जो कटिंग करनी है या जो चिलन करनी है मान लो जो भी है, तो इसका वास्तविकता देखने के लिए कुछ समय के लिए यानी कुछ क्षण भर के लिए मोटर को प्रचलित किया जाता है। तो इस प्रचलित करने के लिए जो परिपथ होता है वो इंचिंग या जॉकिंग परिपथ कहलाता है, यानी थोड़ी बहुत विस्थापना के लिए, यानी एक बार या बार बार इसको हम चालू कर करके देखते हैं, मोटर को ऑन या ऑफ कर करके देखते हैं कि जो अपना जॉब लगा हुआ वो सही है या नहीं है। जो हम जो इसको मान लो छिलन करना चाहते हैं या कटिंग करना चाहते हैं जो भी है वो सही होगी या नहीं, तो इसको बार बार या प्रचलित करके देखते हैं। तो इसको प्रचलित करने के लिए जो परिपथ होता है वो इंचिंग या जॉकिंग परिपथ कहलाता है। तो ऑप्शन देखो, ब्रेक लगाने का तरीका नहीं, सिंक्रोनाइज करने का तरीका नहीं, गति नियंत्रण का तरीका नहीं, चरण दर लोडिंग तरीका नहीं, प्रक्रिया हेतु थोड़ी सी गति प्राप्त करने के लिए मोटर को एक बार या बार बार सक्रिय करना यानी प्रचलित करना सही है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई। तो इसका ई ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का खुला पथ परीक्षण क्या देता है? एक ट्रांसफार्मर है, इसके द्वारा खुले पथ परीक्षण के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? खुला पथ परीक्षण लो हानि का मान ज्ञात करता है या कोर हानि ज्ञात करने के लिए खुला परिपथ परीक्षण किया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं लघु पथ परीक्षण क्या देता है, तो वह ताम्र हानि का मान देता है। तो यदि लघु पथ के बारे में पूछ ले तो ताम्र हानि, और खुला पथ परीक्षण के बारे में पूछ ले तो लो हानि या कोर हानि ज्ञात करने के लिए खुला पथ परीक्षण किया जाता है। तो देखो किसमें है, ए ऑप्शन देखो हिस्टेरेसिस हानि, बी एडी करंट। अब हिस्टेरेसिस और एडी करंट दोनों लो हानि, यानी दोनों ही ज्ञात की जा सकती है। तो लो हानि दे रखा है यानी कोर हानि दे रखा है, तो इनकी अलग से आवश्यकता नहीं है, ताम्र हानि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो गया सी, कोर हानि। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप के सर्किट में चौक किसके रूप में कार्य करती है? यानी एक ट्यूबलाइट परिपथ में चौक क्या कार्य करती है? देखो चौक का काम क्या है, स्टार्टिंग के समय उच्च वोल्ट प्रेरित करना और जब ट्यूब पूर्ण प्रचलित हो जाती है तो धारा को नियंत्रित करना या सीमित करना या नियंत्रित करना। यानी स्टार्टिंग का पूछ ले या प्राथमिक कार्य पूछ ले तो उच्च वोल्ट पैदा करना, स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज और प्रचलन में धारा को कंट्रोल करना, ये काम होता है फ्लोरोसेंट चौक यानी लैंप में चौक का। अब ऑप्शन देखो, स्टार्टर का काम यानी स्टार्टिंग का काम करते नहीं, स्टार्टर का काम करते नहीं, तापन का स्रोत नहीं, धारा सीमक उपकरण सही है, शक्ति गुणांक सुधारक नहीं, लैंप के लिए सहायक नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, धारा को सीमित करना है, तो धारा सीमक उपकरण है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सिलिका जेल का रंग क्या होता है? यानी शुष्क सिलिका जेल का रंग क्या होता है? तो ड्राई का क्या होगा, अब ऑप्शन देखो, लाल, भूरा, नीला, पीला, हरा। अब इसमें ऑप्शनों में देखे तो अब नीला होगा राइट आंसर। तो ड्राई सिलिका जेल का रंग नीला
होगा बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दर्शित प्रतीक किसका द्योतक है, यानी जो देरेका रेख वो किसका है, वेरिएक्टर डायोड, ट्राइक, स्कॉटकी डायोड, गन डायोड और एलईडी। पहले इन सभी के आरेख बना के देख लेते हैं कौन कौन से क्या रेख किस प्रकार के होते हैं। देखो ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, वेरिएक्टर डायोड। वेरिएक्टर डायोड किस प्रकार का होता है, वेरिएक्टर डायोड जो दे रखा है ये वेरिएक्टर डायोड का ही है। ये हो गया सामान्य डायोड, या इसे हम पैरेलल कैपेसिटर डायोड भी कह सकते हैं। तो ये हो गया, यहाँ ये कैपेसिटर प्लेट लगा दी, ये कैपेसिटर का प्रतीक कर दिया, तो ये हो गया वेरिएक्टर डायोड, हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। और डायोड इसे पैरेलल प्लेट, कई बार इसको ये जो आरेख में दे रखा है इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएक्टर डायोड। ट्राइक दूसरा है, ट्राइक है। ट्राइक का प्रतीक किस प्रकार का होता है, यानी इस प्रकार का, ये हो गया एनोड वन या एम टी वन ए वन, ये हो गया ए टू और ये हो गया गेट, एनोड वन एनोड टू और गेट। तो ये हो गया ट्राइक। स्कॉटकी डायोड, स्कॉटकी डायोड, स्कॉटकी डायोड क्या होता है, ये हो गया एक सामान्य डायोड, ये एनोड और ये कैथोड, और स्कॉट की है तो एस, यहाँ पे एस, ये हो गया स्कॉट के डायोड, यानी एस की बात है तो स्कॉट के डायोड। अगला गन डायोड, गन डायोड, गन डायोड किस प्रकार का होता है, यानी इस प्रकार से दो आमने सामने डायोड, ये हो गया गन डायोड। एलईडी लाइट एंडिमेटिंग डायोड, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये प्रकाश की किरणें आप बाहर जा रही है, तो ये हो गया एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब देखो ये जो आरेख दे रखा है ये किसका होगा, वेरिएक्टर डायोड का, तो राइट आंसर हो गया वेरिएक्टर डायोड, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एसीआर में संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एसीआर का संचालन किसके द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एसीआर, एसीआर किस प्रकार का होता है, ये हो गया एनोड, ये कैथोड और ये गेट। तो एसीआर का संचालन गेट की ट्रिगर द्वारा यानी गेट को कंट्रोल करके किया जाता है। तो इसमें यही पूछा है कि एसीआर के संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, गेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया ए गेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में एल्फा और बीटा के संबंध से संबंधित है, यानी एल्फा और बीटा में क्या संबंध है, जो ऑप्शन दे रखे एनिमेशन। तो देखो एल्फा क्या होता है, यानी एक तो होता है ट्रांजिस्टर में करंट गेन एल्फा और एक होता है करंट गेन बीटा। करंट गेन एल्फा क्या होता है कि बिना भार अवस्था में, यानी जो हम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं वो बिना भार अवस्था में कलेक्टर धारा परिवर्तन से वह एमिटर धारा परिवर्तन का अनुपात, यानी कलेक्टर धारा परिवर्तन से एमिटर धारा परिवर्तन का अनुपात करंट गेन एल्फा कहलाता है। एक होता है करंट गेन बीटा, भार रहित यानी बिना भार अवस्था के अंदर कलेक्टर धारा परिवर्तन से बेस धारा परिवर्तन, यानी इन दोनों का जो अनुपात होगा वो करंट गेन बीटा होगा। अब देखो करंट गेन एल्फा है, इसका मान 0.95 से 0.995 के मध्य होता है, और करंट गेन बीटा का मान 20 से 199 तक होता है, यानी एक से ज्यादा 20 से 199 तक होता है। इनमें संबंध भी होता है, इनमें संबंध क्या होता है, यानी एल्फा और बीटा इन दोनों के अंदर आपस में संबंध भी होता है। एल्फा बराबर बीटा वन प्लस बीटा और बीटा बराबर एल्फा वन माइनस एल्फा, ये इनमें संबंध होता है।
अब ये पूछा एल्फा के बारे में पूछा है, एल्फा बराबर होता है बीटा वन प्लस बीटा, यानी एल्फा बराबर बीटा वन प्लस बीटा, किस में है देखो, सी ऑप्शन में देखो, एल्फा बराबर बीटा बटावा वन, सी में नहीं है, बी में देखो, एल्फा बराबर बीटा बटावा वन प्लस बीटा, एल्फा बराबर बीटा बटावा वन प्लस बीटा, यानी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म फार्म फैक्टर क्या है, यानी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी वेव फॉर्म का फार्म वेव का फार्म फैक्टर क्या होता है, यानी फार्म फैक्टर का मान होता है 1.11, कई बार पूछ लेते पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर का मान होता है 1.414, तो फार्म फैक्टर का नियत है 1.11 और पीक फैक्टर का मान होता है 1.414, तो जो साइन वेव है इसका फार्म फैक्टर 1.11 होगा, तो राइट आंसर होगा सी 1.11। अगला क्वेश्चन है एक साइन वेव का धनात्मक अधिकतम कब होता है, यानी एक साइन वेव है इसका धनात्मक उच्चतम मान किस कंडीशन पर होगा, किस अवस्था पर होगा, मान लो यह साइन वेव है इसका कह रहा है कि धनात्मक उच्चतम मान किस अवस्था में होगा, ये हो गया यानी ये 0 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री पर धनात्मक उच्चतम, 180 और 0 पर शून्य, और ये हो गया 270 डिग्री पर ऋणात्मक उच्चतम होता है, तो धनात्मक उच्चतम पूछा है तो 90 डिग्री पर, ऋणात्मक उच्चतम पूछे तो 270 डिग्री पर, यदि शून्य पूछे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही अवस्थाओं में शून्य होता है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, धनात्मक उच्चतम क्या हो गया अधिकतम, बी ऑप्शन यानी 90 डिग्री पर होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटी की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए जो संधारित्र हम काम में लेते हैं इसकी क्षमता किस में व्यक्त करते हैं, तो शक्ति गुणांक सुधारने वाले संधारित्रों की क्षमता यानी केवीआर में, रिएक्टिव पावर में, यानी प्रतिगति शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो गया केवीआर, रिएक्टिव पावर से हम परिभाषित करते हैं, तो राइट आंसर हो गया केवीआर, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 30 वोल्ट आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े 1 किलोम 2 किलोम और 7 किलोम प्रतिरोधकों के सर्वत्र वोल्ट ड्रॉप क्या होगा, क्या कह रहा है कि 30 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं 3 प्रतिरोधक और प्रत्येक प्रतिरोधक पर खपत वोल्टेज का मान क्या होगा, किस प्रकार से कह रहा है कि 3 प्रतिरोधक है, मान लो ये 3 प्रतिरोधक है जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये तीनों प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका मान है ये है 1 किलो ओम, ये कह रहा है 2 किलो ओम और ये है 7 किलो ओम, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है और यहां पर हम लगा रहे हैं 30 वोल्ट, पूछा है कि इसके अक्रॉस यानी V1 का मान क्या होगा, इसके अक्रॉस V2 का मान क्या होगा, इसके अक्रॉस V3 का मान क्या होगा, ज्ञात कीजिए, किस प्रकार से हल करेंगे, देखो पहले इसका कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं, RT बराबर क्या हो जाएगा, RT बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 का मान क्या है 1 किलो ओम प्लस R2 का मान क्या है 2 किलो ओम, R3 का मान क्या है 7 किलो ओम, कितना हो गया 7 × 2 = 9 = 10, तो 10 किलो ओम, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया 10 किलो ओम। अब धारा ज्ञात कर लेते हैं, I बराबर होता है V/R, V का मान क्या है 30, R का मान क्या है 10 किलो ओम यानी 10,000 ओम, यानी किलो ओम में है तो ये ओम में आएगा, तो कितना हो गया 0.003 एम्पीयर, 1, 2, 3, 4, 5 सही है, 0.003 एम्पीयर, या इसे हम कह सकते हैं 3 मिली एम्पीयर, तो धारा का मान क्या हो जाएगा 3 मिली एम्पीयर, यानी इसमें से प्रवाहित धारा हो गई 3 मिली एम्पीयर। सही है 3 मिली एम्पीयर। अब पूछा है कि प्रत्येक का वोल्ट ड्रॉप क्या होगा, वी ज्ञात कीजिए, देखो प्रथम प्रतिरोधक की वोल्ट खपत क्या होगी,
इसकी हम कह सकते हैं वी वन। वी वन बराबर क्या हो जाएगा, वी वन बराबर हो जाएगा आर वन इन टू आई। आर का मान क्या है, एक किलो में 1000 ओम इन टू आई। आई का मान क्या है, 3 मिली एम्पीयर, यानी 3 × 10⁻³। तो 10³ - 3 से कट जाएगा, कितना हो गया 3 वोल्ट। तो इसका मान, इसके अक्रॉस खपत वोल्ट कितना हो गया 3 वोल्ट, यहाँ रख देते हैं, इसके अक्रॉस खपत वोल्ट हो गया 3 वोल्ट। अब वी टू याद कर लो, वी टू बराबर हो जाएगा आर टू इंटू आई। आर टू का मान क्या है, 2 किलो ओम, तो 2 × 10³, इस प्रकार से लिख देते हैं। इंटू आई का मान क्या है, 3 × 10⁻³। ये इसे कट गया, कितना हो गया 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस वोल्ट खपत क्या होगी, 6 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस क्या होगी खपत, वी थ्री, तो वी थ्री बराबर हो जाएगा आर थ्री इंटू आई। आर थ्री का मान क्या है, 7 किलो ओम, तो 7 × 10³ इंटू आई। आई का मान क्या है, 3 × 10⁻³, क्योंकि 3 मिली एम्पीयर है, तो एम्पीयर में होगा 10⁻³, ये किलो में है तो ओम में आएगा 10³। तो कितना हो गया 7 × 21, तो 21 वोल्ट। तो ये हो गया 21 वोल्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 21 वोल्ट। किस में है, सी ऑप्शन में देखो, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट और 21 वोल्ट। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, एक परिवर्तनीय धारिता वह है जिसकी धारिता, यानी एक वेरिएबल कैपेसिटर किसे कहते हैं, वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है, जिसका मान हम परिवर्तित कर सके, वह यानी इजीली तौर पर हम मान परिवर्तित कर सके, वह वेरिएबल कैपेसिटर होता है। तो क्या होगा, समय के साथ बदलती, यानी इसकी धारिता समय के साथ बदलती नहीं, करंट के साथ बदलती नहीं, वोल्टेज के साथ बदलती नहीं, तापमान के साथ बदलती नहीं, हाथ से रूप से, यानी हाथ के रूप से या यांत्रिक बल से बदले जा सकते हैं। सही है, यानी इसकी जो धारिता है उसका मान हम हाथ से भी बदल सकते हैं या यांत्रिकता के तौर पर भी बदल सकते हैं, तो वह एक वेरिएबल कैपेसिटर कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ई, हाथ से या यांत्रिकता से। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, अर्थ का प्रतिरोध मापने के लिए अर्थ टेस्टर, यानी अर्थ टेस्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछना चाहता है। वाटमीटर नहीं, केल्विन ब्रिज नहीं, शेयरिंग ब्रिज नहीं, विभव में गिरावट का सिद्धांत, सही है, प्रतिरोधकता में गिरावट का सिद्धांत नहीं, विभव में गिरावट के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर हो गया डी, विभव में गिरावट का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, 230 वोल्ट पर कार्यरत 100 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। क्या कह रहा है कि 230 वोल्ट पर कार्यरत है कोई लैंप है जो 230 वोल्ट पर प्रचलित है और इसकी वाटता है 100 वाट, तो इसके द्वारा धारा का पते क्या होगी, यानी आई का मान क्या होगा ज्ञात करना है। यानी कोई लैंप है, लैंप की बी दे रखी है, बी बराबर है 230 वोल्ट और पी बराबर है 100 वाट, आई बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है, आई बराबर, यानी अपना सूत्र पी का देखो क्या होता है, पी बराबर होता है वी इंटू आई, आई ज्ञात करना, तो आई बराबर हो जाएगा पी बटा वी। पी का मान क्या है 100 वाट, वी का मान क्या है 230 वोल्ट, 100 / 230, यानी 10 में इसका भाग लगाओ 0.,  4-3 समथिंग आएगा, तो 0.43 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.43 एम्पियर, किस में है, सी ऑप्शन में देखो 0.43 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट, यानी हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला करंट क्या कहलाता है, चरण विभव, स्पर्श विभव, रिसा विभव, एम्पेरेज, इनमें से कोई नहीं, तो स्पर्श विभव कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, स्पर्श विभव। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण के साथ काम करते समय निम्न में से कौन सा सीडी सबसे सुरक्षित है,
यानी जो हम सीढ़ी काम लेते हैं, इनमें से कौन सी सीढ़ी सबसे अधिक सुरक्षित है, किसमें विद्युत उपकरणों में काम करते समय? लकड़ी की सीढ़ी नहीं, फाइबर ग्लास की सीढ़ी सही है, एल्यूमिनियम नहीं, स्टेप टूल नहीं, लोहा नहीं, यानी वो अचालक होने चाहिए। अब लकड़ी की अपेक्षा फाइबर ग्लास की सीढ़ी हम काम में लेते हैं, तो राइट आंसर हो गया बी, फाइबर ग्लास की सीढ़ी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चालकत्व के व्युत्क्रमानुपात में होता है, यानी चालकता का विलोम, यानी किसका विलोम होता है, चालकता किसका विलोम होता है, ये पूछना चाहता है। हेनरी, कूलम्ब, प्रतिरोध, इंपेडेंस और फैराडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का विलोम होता है चालकता, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी प्रतिरोध का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेयर केस पॉइंट के साथ संचालित होता है, यानी एक स्टेयर केस यानी सीढ़ी वायरिंग में क्या कहना, तो क्या कह रहा है कि सीढ़ी वायरिंग में क्या होता है। अब ऑप्शन देखो, दो वन वे स्विच नहीं, दो टू वे स्विच होते हैं। सीढ़ी वायरिंग में क्या लगाया जाता है, दो टू वे स्विच लगाए जाते हैं, तो दो वन वे नहीं। बी में देखो, दो टू वे स्विच सही, दो माध्यमिक स्विच यानी दो इंटरमीडिएट स्विच नहीं, एक टू वे स्विच नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो टू वे स्विच लगाए जाते हैं सीढ़ियों की वायरिंग में, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, दो टू वे स्विच। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई है, यानी प्रतिरोध किसकी इकाई होती है, यानी प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। अब और भी देख लो क्या है, ओम किसकी इकाई है, प्रतिरोध की, मो किसकी है, चालकता की, एम्पियर धारा की, हेनरी इंडक्टेंस की, और एम्पियर सेकंड आवेश की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी एक डीसी जनरेटर है वो इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है इस पर कार्य करता है, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। वो ऑप्शन देखो, फैराडे नियम का इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी फैराडे का इलेक्ट्रोल विद्युत अपक्रिय नियम नहीं, लेंज का सिद्धांत नहीं, पारस्परिक इंडक्टेंस यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं, साउथ इंडक्स इंडक्शन यानी सेल्फ इंडक्टेंस ये भी नहीं, विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फैराडे का नियम का सिद्धांत, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत तो सही है, ये ऑप्शन इसका सही होगा, यानी विद्युत चुंबकीय इंडक्शन के फैराडे नियम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड क्वाइल किससे जुड़ी होती है, यानी डीसी जनरेटर में इंटरपोल क्वाइल किस, इंटरपोल फील्ड यानी जो इंटरपोल लगाए जाते हैं, अंतरा ध्रुव लगाए जाते हैं, वो किस प्रकार से जुड़े होते हैं। इंटरपोल मुख्य पोल के तो मध्य, और इनका संयोजन आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में किया जाता है। तो ऑप्शन देखो, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में सही है, यानी मुख्य पोलों के तो मध्य में लगाए जाते हैं और आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में इनका संयोजन किया जाता है, तो आर्मेचर के साथ श्रेणी सही है, आर्मेचर के साथ समांतर नहीं, लोड के साथ श्रेणी, लोड के साथ समांतर में, या तो ए या बी। अब देखो, लोड के साथ श्रेणी कब होगा, यदि श्रेणी सी जनरेटर है तो वो श्रेणी में हो जाएगा, संट है तो बाद में अलग संट कॉइल भी आ जाती है, इसलिए हम ये कह नहीं सकते। तो मेन क्या होता है, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में इंटरपोल लगाई जाती है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध किस में मापा जाता है, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध है वो किस में मापा जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में मापा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, तो मेगर के द्वारा मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मापा किस में जाता है, मेगा ओम में, तो राइट आंसर हो गया मेगा ओम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पिच कारक के परिणाम, यानी पिच कारक किसके परिणामी ईएमएफ का उत्पन्न करता है, पिच फैक्टर क्या होता है, यानी ये कहना चाहता है कि पिच फैक्टर क्या होता है। पिच फैक्टर होता है क्वाइल पिच बट्टा पोल पिच, यानी क्वाइल पिच बट्टा पोल पिच का अनुपात पिच फैक्टर कहलाता है। अब पोल पिच का मान कितना होता है, यानी जो पूर्ण पिच होता है, यानी एक तो क्वाइल पिच तीन प्रकार के होते हैं, शॉर्ट पिच, पूर्ण पिच और लॉन्ग पिच, तो पूर्ण पिच के बराबर पोल पिच होता है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि पोल पिच और जो क्वाइल पिच है इन दोनों का मान बराबर हो जाए तो वह पूर्ण पिच वाइंडिंग कहलाती है, यानी पुल पिच कह सकते हैं, पूर्ण पिच वाइंडिंग होती है। तो पूर्ण पिच का मान कितना होता है, पोल पिच के बराबर। अब ऑप्शन देखो, शॉर्ट पिच क्वाइल से फुल पिच क्वाइल, यानी शॉर्ट पिच क्वाइल बटा फुल पिच, ये कह सकते हैं हम इसे।
फुल पिच कॉइल से शॉर्ट पिच, अब फुल पिच ऊपर आ रहा है यानी इसका ऐसे क्या हो गया, सो फुल पिच का ऐसे क्या हो गया कि पोल पिच बट्टा कॉइल पिच, ये गलत है। फुल पिच कॉइल से संघनित वाइंडिंग ये भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग से फुल पिच वाइंडिंग ये भी नहीं होगा, फुल पिच वाइंडिंग से डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट पिच कॉइल से फुल पिच कॉइल, ये सही होगा। अब इसमें यदि ये दे देता कि लॉन्ग पिच कॉइल से फुल पिच तो भी सही होता क्योंकि वो लॉन्ग पिच प्रकार हो जाता, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ए शॉर्ट पिच कॉइल से फुल पिच कॉइल। अगला क्वेश्चन है, एक यूनिवर्सल मोटर पर संचालित की जा सकती है, यानी एक यूनिवर्सल मोटर यानी सार्वत्रिक मोटर है वो इनमें से किस प्रकार की आपूर्ति पर संचालित होती है। यूनिवर्सल मोटर है वो एसी श्रेणी मोटर है, यानी एसी श्रेणी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पर ही प्रचालित कर सकते हैं, तो क्या हो गया डीसी आपूर्ति से, हाँ सही है, एसी आपूर्ति से ये भी सही है, कम वोल्टेज भारी लोड ए और बी दोनों, तो राइट आंसर हो गया ई, ए और बी दोनों यानी डीसी से भी प्रचालित कर सकते हैं और एसी से भी प्रचालित कर सकते हैं, तो ई ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है साथियों।